दर्शक बंधु वर्तमान रो जनसंख्या तुलना रे सबुठारु बड धर्म इहुदी धर्म बा ख्रीष्ट धर्म अटे। ख्रीष्टियन मानंकर सबुठारु बड पर्व क्रिसमस दुनिया रे सबुआडे धूमधाम रे सह पालन करा जे। मान्यता अनुसार कहा जाय जे एही दिन परमात्मा का अंश जीशु ख्रीष्टंकर जन्म होइथिला। एही वीडियो रे मु जीशु ख्रीष्ट एवं तांकर जीवनी संपर्क रे आलोचना करबा को जाउ छी। वीडियो टी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं जेउ माने आमो चैनल रे प्रथम थोर पय वीडियो देखु छंदे तेबे आमो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी दियंतु जहा द्वारा नोटिफिकेशन माध्यम रे आमर परवर्ती वीडियो गुडी को आपन माने देखि परिबे। तेबे चलंतु आरंभ करबा आज रे वीडियो टी। आज को प्राय 2000 वर्ष पूर्वे डिसेंबर 25 तारीख रे जीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण करथिले। तांको माटांको नाम थिला मेरी बा मरियम एवं पितांको नाम थिला जोसेफ। जीशु को जन्म पूर्वरु तांको माता-पिता इजराइल शहर रे बास करथिले। जेपरि महाभारत रे महर्षि दुर्वासांको आशीर्वाद रु माता कुंतींको गर्भरु कर्ण जन्म ग्रहण करथिले, सेपरि मरियमको अविवाहित समय रे दिन हटात प्रार्थना बेले स्वर्गर देवदूत दर्शन दे कहिले जे भगवानको अंश बहुत शीघ्र पृथ्वी पृष्ठको अवतार ग्रहण करिवो, तुमे सेई ईश्वरको संतान रे जननी हेबो। किछि दिन परे राजाको आदेशको मानि जनगणना अनुसार मरिया एवं जोसेफको सेई स्थान छाडिबाको पडिला। सेतेबेले मरिया गर्भवती थिले, सेमाने अधराति हेबा जको बेथलमर एक अश्वशाला रे आश्रय नेले। एही अश्वशाला रे मध्यरात्रि रे जीशु ख्रीष्टंकर जन्म हेला। सेही समय रे सेठाकर राजा थिले राजा हेरद। हेरद अत्यंत क्रूर एवं निष्ठुर अत्याचारी राजा थिले। से जीशु को साक्षात करिवा पई 3 जण भद्र व्यक्ति को पठाइथिले। सेमाने आसीबा बाटरे आकाश रे एक उज्जवल नक्षत्र को लक्ष्य करथिले। पूर्वे देवदूत शून्यवाणी कहिथिले जे जेबे ईश्वरंकर अवतार जन्म हबो सेतेबेले आकाश रे एक उज्जवल नक्षत्र देखा जिवो। सेमाने से नक्षत्र देखि जानिगले जे भगवानंकर संतान धरापृष्ठ रे अवतारण होइछि। एही तारा बा नक्षत्र को क्रिसमस तारा बोली प्रचारित करागला। एमिति जणा जाय जे रोम रे 336 ख्रीष्टाब्द रे सर्वप्रथमे क्रिसमस पालन करा जायथिला। रोम रो शासक माने समस्त आनंदित होइगले। एही क्रूर राजांक ठारु एबे मुक्ति मिलि जीव बोली भाबिले, किंतु राजा हेरद रागी जाय सेठारे थिबा समस्त नवजात शिशु को हत्या करिवार आदेश देले। एही खबर मरियम एवं जोसेफ सुनी जीशु को नै इजिप्त चली गले। जेतेबेले राजा हेरान को मृत्यु होइगला सेतेबेले सेमाने निज ग्राम को फेरी आसिले। टिकिए बड़े हेबा परे जीशु निज बापांक सह मिसी बढ़े काम कले। प्राय 30 वर्ष पर्यंत से एही कार्य रे रहिथिले, किंतु बाइबल रे 13 वर्ष ठारु 30 वर्ष जाय तांकर जीवन चक्र किपरि थिला तार कोनोसी तथ्य उल्लेख करा जाय नाही। जीशु ख्रीष्टंक नाम अनुसार क्रिसमस नामित एही दिवस टी त्राणकर्ता जोगी जीशुंकर जन्म दिवस। तांकर सेही जन्म दिवस टी पृथ्वी रे पवित्र ख्रीष्टमास भाबरे पालन करा जाय। क्रिसमस एक आध्यात्मिक चेतना रे जागरण दिवस। जीशु पालेस्टाइन रो यहूदी थिले, से थिले सहिष्णु दयालु और क्षमाशील। से पालेस्टाइन रे धर्म प्रचार करथिले हैं पूर्वांचल रे जने जोगी भाबरे परिचित थिले। जीशु पापी घृण्य अपतित मानंकु आदर सह ग्रहण करी सेमानंकु पवित्र कराउथिले। जीशु कहिथिले तुम्हें गोटे शिशु नहले तुम्हें भगवानंक राज्य रे ज्ञानी भाबरे प्रवेश करि परिबो नाही। जीशुंक मतरे भगवान आदर पिता। जीशुंकर प्रधान नीति थिला ईश्वरंक प्रीति और साधारण लोकमानंक प्रति अखंड स्नेह श्रद्धा भाव। जीशु सदाचार अभ्यास प्रति यथेष्ट गुरुत्व आरोप करथिले। से जणे महागुरु थिले। जीशु तांकर शिष्यर पाद धोत करुथिले। से बहु विनयीन और नम्र थिले। से कहिथिले निरीह लोकमाने ही आशीर्वादर कारण। जीशुंकर वार्ता थिला तुम मानंक ठारे प्रभुंकर राज्य विद्यमान, तुम्हें मैंने ताहा अन्वेषण कले पाई परिबो। द्वार को धक्का दियो द्वार उन्मुक्त हेबो। एहा ही जीशुंकर मोहनीय नीतिर मूल भीति। जीशुंक मतरे प्रार्थना ही प्रभुंकर राज्य अन्वेषण रे एक प्रधान मार्ग। केतेकंक मत अनुजाई जीशु 13 वर्ष बयस रे अदृश्य होई 31 वर्ष बयस रे आविर्भाव होले। एही 18 वर्ष काल से भारत रे रहिथिले ओ जग अभ्यास करथिले। तापरे 2-3 वर्ष काल से धर्म प्रचार करथिले। जीशु जेरुजलम त्याग करी केतेक बणिकक सह सिंधु उपत्यकारे पहुँचिथिले। से बनारस राजगृह एवं अन्यान्य स्थान परिभ्रमण करथिले। जीशु हिंदुस्तान रे बहु समय कटाई जणे हिंदू भावरे जीवन जापन करथिले। से बौद्ध भिक्षुंक परि वैराग्य और निष्काम जीवन कटाइथिले। जीशु विश्वरे दिव्य संपूर्ण प्रेमर शिक्षा देथिले।
से दया और दान उच्च प्रशंसा करथिले से कहिथिले दान ग्रहण अपेक्षा दान देबा अधिक श्रेष्ठ कर हृदयर अमूल्य रत्न दान कर एहा बदलरे कोनोसी प्राप्तिर आशा कर नाही तुमे तुमर स्वल्प भंडारुरु जेते अधिक व्यय करिवो भगवान तार द्विगुण करी प्रदान करिवे जीशु जने स्वयं संपूर्ण योगी थिले से अनेक आश्चर्यजनक कर्म करथिले से समुद्रर तरंग बंद कर दे पारथिले अंध को दृष्टि शक्ति प्रदान करथिले सामान्य स्पर्शरे कुष्ठ रोगर रोग दूर कर पारथिले से सामान्य रुटी खंडी करे असंख्य लोकंको भोजन दान करथिले जैनिक धर्म तत्वविद हल्गर कैस्टन जीशु भारत अधिवास नामक एक पुस्तक उल्लेख करिसेंती जे जीशु तांकर सेही अज्ञात 18 वर्ष भारत रे रही जोग वैदिक प्रथा बौद्ध धर्म तत्व संपर्क रे अनुशीलन करिवारे निजकु नियोजित करथिले कैस्टन को मत अनुजाई तिब्बतीय माने विश्वास करंती जे जीशु हेउछंती भगवान विष्णुंकर नवम अवतार रूपे आख्याप्राप्त पद्मसंभव बुद्धदेवंकर एकविंशतम अवतार कैस्टन प्रथमे जने रूसीय सांबादिक निकोलाई नटविजको प्रसंग को आनिछंती जे कि 1880 मसीहा रे लद्दाख परिदर्शन अवसर रे जीशु ख्रीष्टंकर अज्ञात जीवन नामक एक पुस्तक रचना करथिले एहा जने रूसीय अनुवाद करथिले ओ एहा परे इंग्रजी भाषा रे अनुवाद करथिले जीशुंक वार्ता उपदेश एवं बाणी ए पर्यंत संसार रे तिष्ठि रहिछि किंतु जीशुंक उपदेश सेही धर्मर ठिकादारंकु भल लागिला नाही तेणु सेमाने ईर्ष्या करि सेठाकार शासकंक निकट रे अभिजोग करि तांकु फासी दंड पाई मंजूरी कले तेणु तांकु क्रूशबिद्ध करा जायथिला से आनंद रे मृत्यु को ग्रहण करथिले कारण से चाहिथिले अन्य माने बंचंतु तांको मृत्यु रे शेष वाणी पृथ्वीवासीक प्रति महान आदर्श से कहिथिले हे प्रभु जे माने जंत्रणा देइछंती मोर मृत्यु बदले रे सेमानंकु क्षमा प्रदान कर काठर दो छोकी रे तांको बांधी दिया जाई तांको शरीर को कंटा रे बाड़ी एई छोकी रे पिटी दे जायथिला एपरि अवस्था रे मध्य तांको एपरि जंत्रणा देउथिबा लोकंक पई से प्रार्थना करथिले जीशु क्षमार एक अवतार थिले जीशु को क्रूशबद्ध करा जायथिले हे से एबे भी जीवित से निजको अमर करी अछंती तांकर बाणी शताब्दी शताब्दी धरी प्रहामान जीशुंक मतरे मृत्युरो पुनर्जीवन लाभ शरीर रे सीमित अवस्था रे अवनन्य परिप्रकाश एहा ही भगवानंक सह अनंत मिलन।